नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंद दाता, बहुत स्वागत है आपका इसमें। और एक और नया विषय, एक और भारतीय सनातन परंपरा की गहराई में जाने की कोशिश करता हुआ हमारा मन, और उसके तल को स्पर्श करके कुछ मोती निकालने की हमारी कोशिश, यही है हे प्रभु आनंद दाता। हमारे जो अद्भुत विमर्श के रचयिता हैं वो हैं प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अध्येता। पेशे से, व्यवसाय से वो प्राध्यापक हैं महाविद्यालय में, और वाणिज्य विषय से जुड़े हुए प्राध्यापक हैं, लेकिन अध्यात्म सनातन परंपरा की ये गंगा ऐसी है कि इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि आप कहाँ से आते हैं। तो गोस्वामी जी तो अपने जीवन के बहुत आरंभ काल में ही इसमें बहुत गहरे उतर चुके प्रतीत होते हैं। बहरहाल ये विषय कभी और। नवरात्रि का पांचवां दिन देवी उपासना में डूबा हुआ हमारा मन और पूरा देश, क्योंकि सनातन परंपरा का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, और ये पर्व अपने पीछे विजयदशमी जैसे एक अद्भुत पर्व को लेकर आता है, और उसके बाद दीपावली की जगमग, और उसके पहले करवा चौथ। तो ये बिल्कुल एक त्योहारों की श्रृंखला हमारे सामने खड़ा करता है। तो निश्चित तौर पर आज भी देवी से ही जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पक्ष, और आज हमारे मन में जिज्ञासा ये है कि देवी उपासना के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हुए, कुछ देवियों की उपासना करके हम आराधना करके निकल भी जाते हैं, निकल जाने से मेरा आशय ये है कि हम हृदय से, मन से प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उन देवी से जुड़ा वृत्तांत क्या है। और देवी भागवत पुराण, ये हमें प्रोफेसर गोस्वामी से ही इसकी बारे में बहुत प्रामाणिक तौर पर ज्ञात हुआ कि अगर आप देवी के विभिन्न स्वरूपों और उनसे जुड़े आख्यानों को समझना चाहते हैं तो 18,000 श्लोक देवी भागवत पुराण आपको उधर जाना ही होगा। जैसे एक देवी है मंगल चंडी, और वो मंगल ग्रह की भी अधिष्ठात्री देवी के तौर पर बिल्कुल सुस्थापित है। एक देवी है षष्ठी देवी, अब इनका क्या रूप है, क्या स्वरूप है। और मनसा देवी की तो आप और हम सब सुनते ही हैं उनके बारे में, और कई लोग हैं लाखों की संख्या में जो मनसा देवी का मंदिर घूम भी आए हैं, और ऐसे ही बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं कि बमलेश्वरी देवी जो हैं राजनांदगांव ज़िले में, वहाँ भी हो आए हैं। और ये मुझे गोस्वामी जी से ही जानकारी मिली कि विक्रमादित्य उज्जैनी के अद्भुत शासक, इनके नाम पर विक्रम संवत, उनकी 32 पुतलियों की, इनके सिंहासन की जो कथा है, जो भोज से पूछती हैं कि अगर तुम योग्य हो तभी बैठना, विक्रमादित्य के समकक्ष हो, तो उसमें कहानी है बमलेश्वरी देवी की। तो आज देवी के इन ऐसे स्वरूपों और आख्यानों को हम सुनेंगे जिनके बारे में आपकी हमारी जानकारी बहुत कम है। तो बहुत रोचक वृत्तांत है, और मैं फिर कहूँगा कि इसको सुनते समय मैं ये नहीं कहूँगा आप अपने बुद्धि, अपने तर्क, अपने विवेक को किनारे छोड़ें, लेकिन इसको भारतीय परंपरा और सनातन परंपरा के एक स्वरूप के रूप में समझने की कोशिश करेगी विशेषकर युवा पीढ़ी, ये सोचते हुए कि क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सब आपका अधिकार है, लेकिन आप इसको समझिए, सुनिए, गुनिए, बुनिए, आपको भी आनंद आएगा। प्रणाम करता हूँ गोस्वामी जी, और आज देवी के इन स्वरूपों पर चर्चा। जी, आपने आज माता रानी के बहुत से स्वरूपों का चिंतन कर लिया है, और मैं इसमें क्रम सोचने में विवश हो गया हूँ कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे शुरू करूँ, क्योंकि आपने जितनी भी दिव्य स्वरूप महतारी के हमको बताए हैं माता रानी के, उन स्वरूपों में प्रत्येक स्वरूप पर यदि हम चिंतन करना, मेरा आग्रह है कि बमलेश्वरी से प्रारंभ करते हैं। तो आपने चूंकि बमलेश्वरी का चिंतन किया है, देखिए एक सुंदर श्लोक एक विद्वान ने बमलेश्वरी के बारे में लिखा है, डूंग राख नगरे रम्भे शोभिते चरणाम्भुजे चार चंद कला हासन बमलेश्वरी नमस्तुते। तो वो जो वर्तमान डोंगरगढ़, जिसको हम शब्द का उपयोग करते हैं, मूलतः वहाँ स्थित हैं। ये बमलेश्वरी बगलामुखी का बिगड़ा हुआ शब्द है, अपभ्रंश शब्द है।
अपभ्रंश बगलामुखी से अभ्रंश शब्द जो बना है वो बमलेश्वरी बन गया है। तो दूसरा वो विमल है, विमल अर्थात अंतर चित्त को शुद्ध कर देती है, भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है, तो वो बमलेश्वरी है। आप ये समझ लें कि जो महत्व सिद्ध पीठों में शारदा मैहर को प्राप्त है, जो महत्व मिर्जापुर में विंध्यवासिनी को प्राप्त है, वही महत्व छत्तीसगढ़ में माँ बमलेश्वरी को प्राप्त है। तो माँ बमलेश्वरी का दिव्य स्वरूप है, स्वयं प्रकट है। इसकी एक गूढ़ता में चूंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ, मैंने वहाँ जीवन के 5 वर्ष साधनाओं में बिताए हैं और सेवा में भी रहा मैं वहाँ, तो मैंने उसकी बड़ी शोध की। वहाँ बड़ी बड़ी सुंदर स्थान आपको मिलते हैं। अभी भी वहाँ पर जो है कामकंदला का तालाब मिलता है वहाँ जाने के लिए, वो है कामकंदला नाम का तालाब है वहाँ पर। तो वहाँ बहुत सारी गुफाएँ हैं, तपस्वियों की गुफाएँ हैं, तो उन सबको मैंने आज से 25-30 वर्ष पहले देखा है, जब वो विकास का ऐसा स्वरूप नहीं था। तो इसी शोध की प्रक्रिया में जब अध्ययन करते हुए मैं पहुंचा तो एक सुंदर कथा और सुंदर विवरण और प्रमाणिक सत्य वहां प्रकट होता है। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावती नगरी है, कामावती नगरी। आपने अभी कहा कि विक्रमादित्य की जो 32 पुतलियों की कथा बनी हुई है, जो लिपिबद्ध है और जो हम सब पढ़ते हैं, जो बत्तीसा के नाम से भी जाना जाता है, सिंहासन बत्तीसा के नाम से, तो उसमें एक पुतली ये वृतांत सुनाती है। तो कामावती में नगरी में कामसेन नाम के राजा थे, वहाँ के जो नरेश थे वो कामसेन थे। उनके दरबार में एक बड़ी दिव्य नृत्यांगना थी, जो स्वरूप में तो अति सुंदर थी ही, अत्यंत स्वरूपवान थी तेजोमय, लेकिन उसमें नृत्य विधा में इतनी पारंगत थी कि उस समय ये समझ लें कि देश में वैसी नृत्यांगनाओं की संख्याएं बहुत बिरली थी, ऐसी नृत्य विधा में वो प्रवीण थी। जब उनके नृत्य विधा की चर्चा अवंतिकापुरी पहुंची तो अवंतिकापुरी के राज दरबार के श्रेष्ठतम गायक थे माधवानल। तो माधवानल को जब मालूम चला कि वो नृत्यांगना इतना दिव्य नृत्य करती हैं, तो माधवानल के अंतरचित्त में सहज आकर्षण हुआ कि ऐसे कलाकार से मुझे मिलना चाहिए, उनके साथ सत्संग करना चाहिए, जाना चाहिए। और माधवानल अवंतिकापुरी से कामावती नगरी पधारते हैं। कामावती नगरी जब पधारते हैं तो उस समय कामसेन का दरबार सजा होता है और कामसेन के दरबार में कामकंदला का नृत्य चल रहा होता है, तो उसकी आवाजें मृदंग ताल इत्यादि बाहर से आ रही होती है और वो जाना चाहते हैं वहाँ अंदर, तो द्वारपाल उन्हें रोकता है, कहता है अभी आप जा नहीं सकते यहाँ। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे मिलना है। बोले नहीं, आप तो संगीत के बाद ही मिल सकते हैं, सब इस समय तो कोई उनको वो नहीं कर सकता, खंडित नहीं कर सकता इस सभा को कहीं से। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे एक खबर देना है, तुम जाकर अपने महाराज को कहो कि जो मृदंग बजा रहा है उसका अंगूठा नहीं है, जो मृदंग बजा रहा है उसका अंगूठा नहीं है, और जो नृत्यांगना नृत्य कर रही है उसका एक घुंघरू टूटा हुआ है, ये अपने महाराज को जाके बताओ। तो दरबारी को भी बड़ा विशेष लगता है कि ये विलक्षण दिख रहा है, तेज तो था ही माधवानल में। वो जाकर जैसे ही मंत्री को बताते हैं, मंत्री महाराज को बताते हैं, वो नृत्य रोक देते हैं। वो पूछते हैं क्यों भाई, पखावज मृदंग जो बजा रहे हैं क्या उनका एक अंगूठा नहीं है? बोले हाँ साहब, मेरा एक अंगूठा नहीं है, मैं अंगूठा के बिना पखावज बनाता हूँ, ये किसी घटना में कट गया था ये अंगूठा। और वो कामकंदला से कहते हैं कि क्या तुम्हारे एक घुंघरू नहीं है, तुम्हारे जो घुंघरू बांध रखे हैं? बोले हाँ, एक घुंघरू जब मैं आ रही थी तो टूट के गिर गया था, तो एक घुंघरू नहीं। माधवानल को वो सम्मान के साथ बुलाते हैं और वहाँ पर माधवानल और कामकंदला की जुगलबंदी होती है। माधवानल गाते हैं और कामकंदला नृत्य करती है। इस प्रक्रिया के दौरान दोनों एक दूसरे को अपना हृदय भी समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। प्रसन्न होकर जब कामसेन जो हैं वो एक हार माधवानल को देते हैं, तो माधवानल राजा के द्वारा दी हुई वही भेंट कामकंदला को अर्पित कर देते हैं। तो जब कामकंदला को अर्पित कर देते हैं तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगती, राजा इससे रुष्ट हो जाते हैं। और उनका जो पुत्र है कुमार, वो वैमनुष्यता रखता है दरबारियों से, क्योंकि उसकी नियत में खोट है कामकंदला के प्रति। अच्छा, तो उसके निवेदन पर दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है, माधवानल भी कारागार में, कामकंदला भी कारागार में। अब देखिए, प्रणय की सीमा देखिए, दोनों में प्रणय प्रत्यक्ष नहीं है, एक दूसरे को हृदयंगम कर चुके हैं वो। अब यहाँ पर राजा उन्हें मृत्यु की सजा दे देता है,
तो जब मृत्यु की सजा दे देता है तो अभी वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि इन दोनों में वास्तव में प्रीति है कि नहीं। इधर विक्रमादित्य को मालूम हो जाता है कि मेरे जो दरबारी हैं माधवानल उनको उन्होंने बंदी बना लिया है, तो विक्रमादित्य अपनी सेना लेके पहुंचते हैं आक्रमण करने। अब कामसेन उनके सामने कहाँ खड़े रहेंगे, वो उनका स्वागत करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं महाराज आदेश तो करो। तो बोले इनको छोड़ो, तो बोले पहले देख तो लो इनकी प्रीति सच्ची है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा लेने के लिए विक्रमादित्य काम कंदला को कहने जाते हैं कि भाई सुनो, राजा ने माधवा नल की हत्या कर दी। सुनना होता है और काम कंदला अपना शरीर त्याग देती है। और ये खबर वो बताने जब माधवा नल के पास पहुंचते हैं तो माधवा नल जैसे ही सुनता है कि काम कंदला ने शरीर त्याग दिया तो वो योग बल से अपनी देह त्याग देते हैं। अब दोषी हो गया विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य, देखिए ये कथा इसलिए इस पृष्ठभूमि में मैं वर्णित कर रहा हूँ कि ये कथा जिन्हें नहीं मालूम है, देवी का प्रभाव देखें। अब परम भक्त हैं विक्रमादित्य देवी के, वो देवी को वहाँ पुकारते हैं। विक्रमादित्य के काल से आप परिकल्पना करिए, पुकार के कहते हैं कि माँ यदि इनको प्राणदान नहीं मिला तो मैं अपराधी हूँ और मैं अपने प्राण देता हूँ। और खड़ग उठाते हैं हाथ में तो वहाँ मैया बगलामुखी प्रकट होती हैं और वहीं स्थापित हो जाती हैं, दोनों को जीवन दान देती हैं और वहीं स्थापित हो जाती हैं। तब से आज तक बम्बलेश्वरी वहाँ बैठी हैं। वाह, बहुत ही सुंदर ये वृत्तांत लगा, क्योंकि ये उज्जैनी और डोंगरगढ़ राजनांदगांव के एक अद्भुत संबंध को स्थापित भी करता है। और उस विक्रम संवतधारी अद्भुत राजा से इसको जोड़ता है जिसका नाम है विक्रमादित्य, और अद्भुत एक प्रेम की गाथा भी इससे जुड़ती है। आनंद आ गया, वाह बहुत सुंदर गाथा, क्या कमिटमेंट और क्या प्रेम और किस तरह की। देखिए वहाँ पर फिर कालांतर में योगियों ने अपना डेरा डाला है, वहाँ पर जो है तपस्वियों की गुफाएं बनी हुई है, वहाँ बैठकर बगलामुखी की साधना की गई है। जो साधक बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहता है, जो साधक अपने जीवन में निर्मल मनोवांछित फल चाहता है, वो मैया बगलामुखी की साधना करने वहाँ जाए। मैया प्रत्यक्ष है, मैया दो स्वरूप में स्थापित है, एक ऊंचे शिखर पर बैठी है, दूसरे नीचे हैं। अब आप देखिए इन दोनों के मध्य में एक दादी माँ विराजमान है। अच्छा, वो दादी माँ का मंदिर पार करते हुए लोग पहुंचते हैं और उनको समझते हैं कि वो मंदिर है, हाथ जोड़कर चले जाते हैं। दादी माँ वो प्रतिमूर्ति है जिनको मैया प्रत्यक्ष हुई थी और देवी तुल्य बना गई थी। वो दादी माँ भी वहाँ विद्यमान है। तो अपनी अभिलाषा लेके वहाँ जाते हैं, मैया बहुत सहज प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के इस पर्व में तो वहाँ अपरंपार भीड़ के साथ भक्तजन पहुँचते हैं। और मैं तो ये मानकर चलता हूँ, मेरी अपनी खुद की धारणा है कि वहाँ जिसने जो मांगा माँ ने उसे वो दे दिया। बहुत सुंदर है, और आपकी इस सुंदर गाथा से मैं थोड़ा खो भी गया था। और हम में से जिन लोगों ने लाइट एंड साउंड शोज़ देखे हैं तो मुझे लगता है अब तो ज़माना लेज़र का है, और भी आधुनिक तकनीकें हमारे पास हैं जिनसे हम बहुत आसानी से इन गाथाओं को स्क्रीन पर जीवंत कर सकते हैं। आज मैं नहीं कहता कि बम्बलेश्वरी देवी के इस मंदिर में नवरात्रि में उमड़ने वाली भीड़ में ऐसे कितने लोग हैं जो माधवा नल और उस अद्भुत नर्तकी की प्रेम गाथा को जानते हैं। जब आप मंदिर में प्रणाम कर रहे हैं देवी को तो आप जानते हैं कि किसके कहने पर वो देवी इतनी भावना प्रधान हो उठी कि वो धरा पर चली आई और कहा अरे विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। दोनों ये अद्भुत प्रेम के नायक नायिका जीवित खड़े होंगे, अपना अच्छे से जीवन बिताएंगे। अगर इनको हम चरितार्थ करें तो ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस मंदिर में जाते समय हमारी रुचि को भी और बढ़ाएगा। मंगल चंडी, बड़ा सुंदर आपने ये दूसरा नाम लिया है मंगल चंडी का। जी जी, मंगल चंडी भगवती का एक ऐसा स्वरूप है जिसका वृतांत देवी भागवत में स्वयं श्रीमन नारायण नारद को सुनाते हैं। भगवान विष्णु नारद को मंगल चंडी की महिमा का बखान करते हैं जी, और वो उन्हें वो कथा सुनाते हैं जो उन्हें धर्मराज ने सुनाई थी, धर्म ने सुनाई थी उन्हें कथा। मंगल चंडी का विधान, सबसे पहले मंगल चंडी की पूजा शिव जी ने की है। सबसे पहले शिव जी जब त्रिपुरासुर का वध करने पहुंचे तो वो यान पर सवार थे, अपने वाहन पर यान में सवार होकर त्रिपुर नामक दैत्य, जो तीन दैत्य थे
विद्युन्मानी, कमलाक्ष इत्यादि, उन तीनों दैत्यों का वध करने के लिए वो गए हुए थे और वहाँ उन दैत्यों ने ऐसा भीषण युद्ध किया, ऐसा प्रहार किया कि उनका वाहन टूटकर नीचे गिर गया। अब परमात्मा को रोष के साथ साथ खेद भी आया, ये संघर्ष गहरा दिख रहा था। तब परमात्मा विष्णु की प्रेरणा से परमात्मा उन्हें कहते हैं कि आप तो मंगल चंडी का आवाहन करिए, जो अंतर मन के सारे भाव और शत्रुंजय की प्रतीक प्रक्रिया होती है। तो शिव जी वहाँ, देखिए मंगल चंडी दुर्गा का ही स्वरूप है, रूप वही है, लेकिन शिव जी वहाँ मंगल चंडी की स्तुति करते हैं। मानसिक रूप से मंगल चंडी प्रकट होती है और कहती है कि आप ऐसा क्यों अधीर हो रहे हैं, ये जो नारायण हैं ये मेरी इच्छा से स्वयं आपके वृषवाहन बन जाएंगे और ये वृषवाहन बनकर इन पर आप बैठिए और युद्ध करिए, ये अस्त्र प्रदान करेंगे और आपकी जीत होगी। वो मंगल चंडी की कृपा से त्रिपुर का वध करते हैं। फिर परमात्मा स्वयं शंकर जी सबसे पहले मंगल चंडी का पूजन करते हैं। बड़ा मैया का मोहक स्वरूप है, बिल्कुल श्वेत रखी हुई है और उनकी लालिमा चहुओं बिखरते रहती है और परमात्मा उनकी स्तुति करते हैं। तब ये श्लोक बना है, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। ये मंगल चंडी की प्रथम पूजा उन्होंने की है। मंगल चंडी की द्वितीय पूजा मंगल ग्रह के अधिपति ने की है, मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो सनातन संस्कृत को इस रूप में समझते हैं उन्हें कितना प्रमाण दें, वो ये समझते हैं ये कोई काल्पनिक व्यवस्था पर चिंतन कर रहे हैं। हम कहते थे कि भाई मंगल एक ग्रह है, ग्रह का अर्थ ही होता है कि वहाँ है विद्यमानता है, वहाँ पर रहते हैं लोग। और ये मंगल ग्रह का अधिकार, एक समय में मंगल ग्रह पृथ्वी का भी अधिपति था, पृथ्वी का भी अधिपति था। और ध्यान रखिए पृथ्वी के एक पुत्र का नाम भी मंगल था, तो ये पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है। तो आप एक चिंतन समझिए। अब मान लो आपके अभी जा रहे हैं, जो चीज़ें आप भेज रहे हैं, जांच परख कर रहे हैं, लाल मिट्टी मिल रही है, ये एक दिन आपको वहाँ मंगल चंडी का मंदिर मिल गया तो फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप उनको कौन सा तत्व बताएंगे? वो तो हमारे पुराणों में आज लिखा हुआ है कि वहाँ मंगल चंडी विद्यमान रहती। तो मंगल ग्रह ने मंगलवार के दिन भगवती की आराधना की, मंगल का दिन मंगल चंडी का होता है। जिनको अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करना है, वो मंगल चंडी का विधान करें। हमारे भारत में प्रीव्रत के वंश में राजा मंगल हुए हैं एक, तो राजा मंगल ने भी उनकी पूजा की थी और शत्रुंजय प्राप्त किया था, अपने शत्रुओं का दमन किया था। मंगल चंडी का मूल मंत्र है रिंग श्रिंग क्लिंग सर्व पूज्य मंगल चंडिके हुंग हुंग फट स्वाहा। ये विधान से जो ऐसा करे जिनको अपने शत्रुओं पर प्रबल जीत करनी हो, शत्रुओं में विषय के शत्रु भी शामिल हैं, आप ध्यान रखिए, ठीक बात है, जिन्हें अपने काम को जीतना है, क्रोध को जीतना है, लोभ को जीतना है, ये भी शत्रु है, वही सबसे प्रमुख शत्रु। तो ये शत्रु मैया की प्रेरणा से मंगल चंडी की आराधना से ये कार्य भी पूर्ण हो जाता है। तो मंगल चंडी की आराधना इंद्र ने की है, मंगल चंडी की आराधना परमात्मा नारायण ने की है। तो मंगल चंडी जो है आपके जीवन में तमाम अवरोधों के विधान को पूर्ण करती है। मंगल चंडी को वैसे तो प्रतिदिन ध्यान किया जा सकता है, लेकिन मंगलवार को विशेष रूप से मंगल चंडी का विधान किया जाता है। मनसा देवी की भी बात आपने की, तो मनसा देवी का मन से क्या कोई संबंध है? मनसा वाचा कर्मणा, आपने बहुत सुंदर उनके नाम के संधि विच्छेद किया है और इस संधि विच्छेद का बड़ा सुगम और सार्थक अर्थ है। मनसा देवी ब्रह्मा की मन से उत्पन्न हुई। अच्छा, मनसा देवी जी, देखिए हुआ ये कि एक समय में इस पृथ्वी पर सर्पों का भयंकर भीड़ हो गई सर्पों की और वो नाना प्रकार से लोगों को भयभीत करने लगे, दंश करने लगे, सर्प दंश हो गया चारों तरफ। कश्यप ऋषि के आश्रम में भी सर्पों ने आधिपत्य करने का प्रयास किया। भयभीत कश्यप ने ब्रह्मा को याद किया और ब्रह्मा के आते ही कश्यप ने एक मंत्र की संरचना की और उस मंत्र की संरचना की तो अब उस मंत्र की देवता कौन हो, तो ब्रह्मा जी ने मानस से मनसा देवी को प्रकट कर दिया और उस मंत्र की अधिपति बना दिया उनको, मनसा देवी को। तो चूंकि ब्रह्मा के मानस से प्रकट हुई और बाद में कश्यप की मानसी पुत्री हो गई। कश्यप की मानसी पुत्री हो गई और उनके अधिष्ठात्री देवी होने से फिर सर्प जो है वो अपना स्थान छोड़कर चले गए, मैया आ गई वहाँ। मैया का बचपन कश्यप के यहाँ बीता,
ऋषि कश्यप और अदिति ने लालन पालन किया। मैया जब बालकाल में थी तो अपने कौमार्य अवस्था में ही वो शिवजी के पास चली गई। उन्होंने शिवजी के पास रहकर सहस्त्र वर्षों तक, दिव्य सहस्त्र वर्षों तक शिव की आराधना की। फिर मैया ने शिव आदेश से सहस्त्र वर्षों तक परमात्मा कृष्ण की आराधना की। तीन युग बीत गए और उन्होंने कृष्ण की आराधना की जी। तो परमात्मा कृष्ण प्रकट हुए और वासुदेव कृष्ण ने उनको अभिवांछित वर प्रदान किया और साथ ही उनकी पूजा भी की जी। समय की थोड़ी बाध्यता है तो अपन मनसा देवी की कथा को जी अगले वृतांत की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल ठीक और है। ना केवल अगले वृतांत सिर्फ ये बल्कि षष्ठी देवी का भी आपने नहीं, ये अगले वृतांत में आपको जी। तो मनसा देवी का ये जो वृतांत पूर्ण नहीं हो पाया है इस अंक में, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि निरंतरता में कई विषयों को सुनना बहुत रुचिकर होता है। और महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहूँगा कि इस वृत्तांत में इसको सुनते हुए नई पीढ़ी के लिए ख़ास तौर पर, और उस नई पीढ़ी के लिए जो विज्ञान की उपासक है, होना ही चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप इसमें किसी द्वंद्व को ना ढूंढें, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। अगर आप उसको उस रूप में देखेंगे उसमें कोई हर्ज नहीं, आप उसे कथा की तरह ही सुन लें। लेकिन इसमें आप जो चीज़ देखें वो चीज़ है संदेश, वो चीज़ कोई चमत्कार नहीं है। और ना किसी चमत्कार की स्थापना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है और ना ही सनातन परंपरा का उद्देश्य रहा है। अब हमारी परंपरा पर नरेंद्र कोहली जी के भी बहुत से उपन्यास हैं और सबसे पहले कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के मुंशी जी ने लिखा है, और वर्तमान में निमिष त्रिपाठी साहब हैं जो शिवा ट्रायोलॉजी से चर्चित हैं। अब ये जब सर्प को एक समुदाय या एक कबीले के तौर पर चित्रित करते हैं तो नई पीढ़ी बड़े रुचि से पढ़ती है कि हाँ ये तो बिलीवेबल है, क्योंकि ये तो एक कबीला बता रहे हैं जिसकी जीव थोड़ी लंबी है, जेनेटिक तौर पर वो उनका चेहरा और मुखाकृति सर्प के नज़दीक है, तो इसलिए इनको सर्प जाति कहा गया, सर्प कबीला कहा गया। आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसमें सनातन परंपरा का वो तत्व देखने की कोशिश करें जो हमारी परंपरा का एसेंस है। जैसे आप कहीं जाते हैं मंदिर में तो वहाँ शिला पट्टिका पर पढ़ते हैं कथा उसकी, इसको उस रूप में भी ग्रहण करेंगे, सनातन परंपरा बहुत प्रमोदित होकर आपको बहुत स्नेह से देखेगी। आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि चलचित्र पर एक रूप बदलने वाली नागिन को आप देख सकते हैं और मान सकते हैं कि वो रूप बदलने वाली आ गई। दूसरा ये देखिए, ये कथा उस रूप में नहीं है, ये पुराणगत है। पुराण जो जिसका स्थान वर्णित है वहाँ उसके वो अवशेष और अतीत नहीं, ईसा पूर्व से हजारों वर्ष से चले आ रहे हैं प्रक्रिया वहाँ शामिल है। तो ये जीवंत सत्य यथार्थ है, बस ये है कि तुम कुछ पीछे रह गए हो, वो कुछ आगे थे। बिल्कुल सही है। और जब भी विज्ञान पहुंचता है ऐसी स्थानों पर, ऐसी जगहों पर, तो वो ढूंढ भी लेता है। जैसा अयोध्या में हुआ कि जब आप नीचे उतरे और पुरातात्विक खुदाई आरंभ हुई तो बहुत स्पष्ट रूप से ये बात समझ आई कि वहाँ तो 10वीं शताब्दी का और उससे पहले का एक बहुत भव्य मंदिर रहा है। तो ये चीज़ें, मैं नहीं कहता कि इससे किसी तर्क की स्थापना की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि विज्ञान भी, जो विवेकानंद कहते हैं कि जिस दिन धर्म और विज्ञान एक बिंदु पर आकर मिलेंगे उसी दिन परम सत्य उद्घाटित होगा। चलिए, ये कभी इस पर भी बात करेंगे नवरात्रि के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।